नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। ये हम कर रहे हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे दोस्तों इस सीरीज के साथ, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लगातार कवर किए जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से, और जिसमें आज का हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है आपका इमरजेंसी प्रोविजन। समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, किस तरीके से इमरजेंसी यानी आपातकाल हमारे देश में लागू किया जाता है, इसे लागू करने के क्या प्रावधान है, इसे खत्म करने के क्या प्रावधान है, और इसके कारण क्या असर पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस पे, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे इस सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में यहाँ पे मेंशन किया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस को, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर डील करता है। तो हमें सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन है। तो यहाँ पे 18th पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस को मेंशन किया गया है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तीन टाइप की इमरजेंसीज की बात करता है। पहली इमरजेंसी जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, जिसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे तीन ग्राउंड रखे गए हैं जिनके आधार पर इमरजेंसी लागू की जा सकती है, जिसमें से पहला है वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्या कहा जाता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, या फिर आप इसे नेशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। तीन ग्राउंड, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले टाइप ऑफ इमरजेंसी, जिसे कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ये दिया गया है आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये तब लागू होता है जब कोई भी राज्य यहाँ पे संविधान में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा होता है, या फिर उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो चुकी होती है, अस्त व्यस्त हो चुकी होती है। और प्रेसिडेंट ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब ऐसे टाइम में लागू कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में, इसीलिए इसे प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए, इस टाइप की इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। साफ तौर पर लिखा है इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, आर्टिकल नंबर 356। तीसरे टाइप की इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो वो है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारे देश में, तो यहाँ पे लागू किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को। और इसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसमें सैलरीज कम की जा सकती है और ऐसी चीजें की जा सकती हैं जिसके द्वारा फाइनेंशियल कंडीशन को इंडिया के सही किया जा सके। वो अलग बात है, इसे आज तक कभी लागू नहीं किया गया। तो चलिए अब इन इमरजेंसीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी नेशनल इमरजेंसी, जिसे यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तीन ग्राउंड इसके मेंशन किए गए हैं जिन पे इसे लागू किया जा सकता है, वो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन्हीं तीन कंडीशंस पे इसे लागू किया जा सकता है। शुरुआत में अगर हम बात करें तो एकदम शुरुआत में ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये तीनों चीजें थी। इससे पहले यहाँ पे क्या था, आपका आर्म्ड रिबेलियन से पहले इंटरनल डिस्टरबेंस का वर्ड था, जिसे बाद में यहाँ पे हटा दिया गया था और आर्म्ड रिबेलियन को यहाँ पे जोड़ा गया था। बात करते हैं, प्रेसिडेंट इस नेशनल इमरजेंसी को इशू कर सकते हैं किसी भी एक एरिया के लिए और साथ साथ में पूरे देश के लिए। तो दोनों चीजों को यहाँ पे ये इसे इशू कर सकते हैं, पूरे देश में भी इशू कर सकते हैं और चाहे तो किसी एरिया में भी इसे इशू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
और ये प्रोविजन किसमें डाला गया था, 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे यहां पे ऐड किया गया था, और 44th अमेंडमेंट 1978 में जो हमने बात की आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल डिस्टरबेंस से बदल दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्म्ड रिबेलियन को इंटरनल डिस्टरबेंस से 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा यहां पे क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहां पे कि प्रेसिडेंट जो है इस नेशनल इमरजेंसी को अपनी इच्छा से नहीं लागू कर सकते, वो इसे तभी लागू कर सकते हैं जब उनको यहां पे एक रिटन रिकमेंडेशन मिलती है, कहां से, कैबिनेट से। तो जब कैबिनेट से इन्हें एक रिटन रिकमेंडेशन मिलेगी कि यहां पे नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया जाए, तभी प्रेसिडेंट साहब इसे लागू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 44th अमेंडमेंट 1978 ने यहां पे एक स्पेशल प्रोविजन बनाया कि केवल यहां पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं जरूरत है, आपको चाहिए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। केवल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और प्रेसिडेंट साहब लागू करते हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, 38th अमेंडमेंट 1975 ने यहां पे डिक्लेरेशन की थी कि नेशनल इमरजेंसी अगर लागू की जाती है तो ये जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर आती है, मतलब इसके लागू किए जाने के कारणों के ऊपर किसी तरीके की न्यायिक जांच नहीं होगी और ये पूरी तरीके से जुडिशरी के रिव्यू के बाहर होगा। बट 44th अमेंडमेंट 1978 और उसके बाद यहाँ पे मिनर्वा मिल केस 1980 में साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके का जो ये प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड्स को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर वो हमें मैलाफाइड ग्राउंड्स पे यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब वहां पे इसे गलत तरीके से इंप्लीमेंट अगर किया गया है, डिक्लेयर गलत तरीके से किया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है उसे एक महीने के अंदर यहाँ पे हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद से इसकी मान्यता इसे दिलानी होगी, इसे अप्रूव कराना होगा। तो एक महीने के अंदर यहाँ पे पार्लियामेंट से प्रोक्लेमेशन के बाद इसे मंजूरी दिलानी होगी। ओरिजिनली ये पीरियड जो था आपका 2 महीने का था, जिसे यहाँ पे चेंज करके कितना कर दिया गया, 1 महीने कर दिया गया। और ये परिवर्तन भी यहाँ पे संशोधन 42वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा लाया गया। आगे बात करते हैं, अगर इमरजेंसी यहाँ पे अप्रूव हो जाती है तो ये 6 महीने तक लागू रहेगी और हर 6 महीने में इसे पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए। ध्यान रखने वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इनडेफिनेट पीरियड तक रहेगी, मतलब यहाँ पे कोई मैक्सिमम टाइम फिक्स नहीं किया गया है, बस हर 6 महीने में इसको पीरियोडिक अप्रूवल यहाँ पे दिलाने की जरूरत है। और इस प्रोविजन को भी यहाँ पे 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। आगे बात करते हैं, जो आपका ये रेजोल्यूशन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का, इसे बार बार जो आपको अप्रूव कराना है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों से, इसे आप अप्रूव कराते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से। तो संसद में जब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो आपका रेजोल्यूशन होगा, इसे जब अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत की इसे आवश्यकता होती है, तभी ये मान्य माना जाएगा। और ये भी प्रोविजन आपका 42वें संविधान संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ही संविधान में जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को यहाँ पे राष्ट्रपति किसी भी टाइम पे रिवोक कर सकते हैं यानी समाप्त कर सकते हैं एक प्रोक्लेमेशन जारी करके कि हम इसे समाप्त कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रेसिडेंट डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ पे लोकसभा चाहे और इस प्रोक्लेमेशन को खत्म करना चाहे तो 44th अमेंडमेंट 1978 ने यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया कि 1/10 जो आपके मेंबर्स हैं इसके सदन के लोकसभा के, वो एक रिटन नोटिस देंगे किसको, स्पीकर को। स्पीकर 14 दिन के अंदर एक सेशन बुलाएंगे और यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को डिसअप्रूव करने की बात यहाँ पे हो सकती है, इसके ऊपर मत हो सकता। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें एक और ये प्रोविजन डाला गया। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज हमें जो सामने निकल के आती है कि रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल। तो अप्रूवल और डिसअप्रूवल ये दोनों आपस में डिफरेंट है, किस तरीके से इन्हें हम समझते हैं। पहली बात करते हैं
अगर हम बात करें तो केवल लोकसभा की अप्रूवल चाहिए पहले वाले केस में यानी डिसअप्रूवल में, और अप्रूवल में अगर हम बात करें तो दोनों हाउसेस यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों की मंजूरी चाहिए। तो जब अप्रूवल चाहिए तो दोनों हाउसेस से चाहिए, और जब डिसअप्रूवल चाहिए तो केवल यहाँ पे लोकसभा की मान्यता ही काफी है। अगर डिसअप्रूवल की बात करें तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, इससे सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, और अप्रूवल की बात करें तो उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। इस पॉइंट्स को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर डिसअप्रूवल चाहिए तो सिंपल मेजोरिटी और अप्रूवल चाहिए तो सिंपल मेजोरिटी। आगे बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी के समय आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं होती, बस वो उसके ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल किसका आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाता है। तो यहाँ पे वो सस्पेंड नहीं होती है, बस कंट्रोल किसके ऊपर चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल आ जाता है, और पार्लियामेंट यहाँ पे एम्पावर हो जाती है वो किसी भी तरीके के स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून बनाने के लिए। वो अलग बात है कि लेजिस्लेटिव यानी विधेय शक्ति जो राज्य की होती है वो समाप्त नहीं होती, राज्य सरकार भी अपने कानून यहाँ पे बना सकती है, बट केंद्र सरकार यानी संसद के पास ये शक्ति यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। एक और बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट इस कंडीशन में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते हैं, वो भी स्टेट सब्जेक्ट में। तो राज्यों के पास जो विषय है उन पे प्रेसिडेंट यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर ऐसी इमरजेंसी लंबे समय तक चल रही है और चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है देश में तो लोकसभा का कार्यकाल एक साल के लिए यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस एक साल का कार्यकाल लगातार लगातार करके बढ़ाया जा सकता है एक इनडेफिनेट टाइम तक, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं बताया गया बट एक साल का एक बार में बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 358 जो है वो यहाँ पे कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होगा तो 6 फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से आपके सस्पेंड हो जाएंगे। आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए आपके फंडामेंटल राइट ऑटोमेटिक तरीके से सस्पेंड हो जाते हैं, किसी ऑर्डर को जारी करने की कोई जरूरत नहीं होती। 44th अमेंडमेंट 1978 ने यहाँ पे एक प्रोविजन लाया और उसने कहा कि आर्टिकल 358 के अंदर जो प्रोविजन दिए गए हैं उसमें जो फंडामेंटल राइट्स आप जो यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब जो आपके फंडामेंटल राइट जो ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पे सस्पेंड हो रहे हैं वो केवल किस ग्राउंड पे हो सकते हैं, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे हो सकते हैं, वो आर्म्ड रिबेलियन पे नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्म्ड रिबेलियन पे इन्हें सस्पेंड नहीं किया जाएगा, केवल वॉर और नेशनल एक्सटर्नल एग्रेशन पे किया जाएगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 359, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। यहाँ पे ये कहता है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें सस्पेंड नहीं किया जा रहा, उनकी एनफोर्समेंट को यहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा है, मतलब राष्ट्रपति ऑर्डर के द्वारा यहाँ पे जारी कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट जो है उनकी एनफोर्समेंट यहाँ पे क्या की जा रही है, स्थगित की जा रही है, यानी आप उन्हें एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट यानी आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। तो पहला वाला 358 यहाँ पे पूरी तरीके से सस्पेंशन की बात करता है, आर्टिकल 359 सस्पेंशन की बात नहीं करता, वो एनफोर्समेंट को रोकने की बात करता है। 44th अमेंडमेंट 1978 ने यहाँ पे एक प्रोविजन ऐड किया कि आर्टिकल 359 में आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों के एनफोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते, मतलब आपको इनके अंदर तब भी सुरक्षा हमेशा प्राप्त रहेगी। बात करते हैं इस तरीके की इमरजेंसी हमारे देश में 1962, 71 और 75 में यहाँ पे लागू की गई थी, तो ऐसे तीन टाइम हुए हैं जब इसे लागू किया गया है। शाह कमीशन की रिपोर्ट यहाँ पे बनाई गई, एक पूरा कमीशन बनाया गया जो 1975 की जो इमरजेंसी है उससे संबंधित मामलों को देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये इमरजेंसी काफी ज्यादा विवादों में रही और आगे चल के इन्हीं विवादों को और इस इमरजेंसी के जो प्रोविजंस थे इनके अंदर फ्लॉज जो थे इसी के लिए 44th अमेंडमेंट 1978 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और बहुत सारी ऐसी खराबियां हमारे संविधान में जो संशोधन इससे इमरजेंसी आपातकाल से संबंधित थी इन्हें यहाँ पे अंत किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 355 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंश्योर करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करे, यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, ठीक है, नहीं प्रोटेक्ट ना करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए गए कानून यानी जो ऑर्डर है उनके हिसाब से यहाँ पे चले। अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल जारी कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स के हिसाब से नहीं चलती है, जो भी उनके रूल्स बने हैं, ड्यूटीज जो दी गई हैं, जो भी इम्पोज की गई हैं उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यहाँ पे लागू की जा सकती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा,
प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 के अंडर दिया गया है और साथ में आर्टिकल 356 के साथ साथ यहां पे ये आर्टिकल 365 में भी मेंशन किया गया है। चलिए एक आर्टिकल 356 में और आर्टिकल एक आपका 365 में, तो आर्टिकल 356 की बात करते हैं। यहां पे प्रेसिडेंट साहब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को कर सकते हैं अगर सरकार जो है आपकी राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, जो संविधान में जिस तरीके से बातें लिखी गई हैं उनके हिसाब से नहीं चल रही है। और बात करें आर्टिकल 365 जो यहाँ पे कहता यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर स्टेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं कंप्लाई विद द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो उन्हें डायरेक्शंस दे रही है उसे मानने के लिए फेल हो जाते हैं तो आर्टिकल 365 के अंदर भी यहाँ पे उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल जारी हो सकता है। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल जो है आपका, इसे दोनों हाउसेस से अप्रूवल की आवश्यकता होती है, जैसे आपके वहां पे नेशनल इमरजेंसी में रहती है, बट इसके लिए समय जो तय किया गया है वो 2 महीने किया गया है। आफ्टर अप्रूवल ये जो आपका कानून है प्रेसिडेंट रूल, ये आपका 6 महीने तक यहाँ पे लागू रहता है, 6 महीने तक यहाँ पे बना रहेगा और इसे यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पीरियोडिक अप्रूवल 3 साल मैक्सिमम, चलिए, और हर 6 महीने में इसे री अप्रूवल की आवश्यकता पड़ती रहेगी। ध्यान रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट रूल की जो आपकी अप्रूवल की बात कही गई है, हर 6 महीने में जो पीरियोडिक अप्रूवल चाहिए इसे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसके अप्रूवल के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है। 44th अमेंडमेंट 1978 ने यहाँ पे एक प्रोविजन ऐड किया कि 1 साल से ज्यादा, अगर इसको इमरजेंसी को आपको ज्यादा रखना है, 1 साल से ज्यादा रखना है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे माननी होंगी। तो वो कंडीशन कुछ ये है कि कहीं पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब आप इसे 1 साल से ज्यादा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि देश में उस जगह पे इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, या फिर जहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है आपका उस जगह पे कहीं पे लागू हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसे 1 साल से ज्यादा लगाया जा सकता है। चलो आगे बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल को यहाँ पे चाहे प्रेसिडेंट साहब किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, रिवोक यहाँ पे कर सकते हैं अपनी इच्छा से, किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की इसमें भी जरूरत नहीं हो सकती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए इसे कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था, पंजाब में 1951, तो प्रेसिडेंट रूल को सबसे पहले कहां इंपोज किया गया था, पंजाब 1951। बीआर अंबेडकर ने इसे डेड लेटर के तौर पे कहा, बट इसका इस्तेमाल इतनी बार हुआ कि एचवी कामत जी ने इसे कहा, यहां पे एक बात कही, बीआर अंबेडकर इज डेड, द आर्टिकल इज वेरी मच अलाइव, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यहां पे इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करते हैं एसआर बोम्मई केस 1994, जुडिशियल रिव्यू यहां पे एग्जिस्ट रहेगा, यह बात की गई। दूसरी बात यहां पे इसमें की गई कि पार्लियामेंट अप्रूवल के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सस्पेंड होती है, डिसॉल्व नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट केस में कहा गया। और फ्लोर ऑफ द हाउस यानी आपके पास सरकार, राज्य सरकार के पास मेजॉरिटी है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस प्राप्त है कि नहीं है, इसके ऊपर बात की गई कि ये अगर प्राप्त है तभी माना जाएगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और किसी भी तरीके से एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स को यहाँ पे इसके अंदर लाइबल माना गया है। साथ में यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर आपकी सरकार जो है जहां पे प्रेजेंट रूल लागू करके उसे सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, तो कोर्ट अगर इसे गलत मानता है तो वापस से क्या कर सकता है, उस सरकार को वापस ला सकता है। चलिए सेंटर स्टेट के इसी रिलेशन को देखने के लिए सरकारिया कमीशन 1988 देखा गया कि यहां पे कौन से एक्सेप्टेबल ग्राउंड है प्रेजेंट रूल के, तो हंग असेंबली, और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन को नहीं मानता, इंटरनल सबवर्जन, फिजिकल ब्रेकडाउन, और lack of alternative after no confidence motion is passed। अगर no confidence motion pass हो जाता है, कोई सरकार बनाने के लिए नहीं है, तो भी ये सही माना जाएगा। Unacceptable grounds की अगर हम बात करें, तो केवल यहाँ पे parties आपस में एक दूसरे से बदला लेने के लिए कर रही हैं, किसी तरीके का physical breakdown नहीं है, तब भी इसे लागू कर दिया गया। माल एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन के ऊपर कई बार लागू किया गया, ये भी गलत है, और उसके बाद इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट्स को आप इसे क्लियर करने के लिए नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी आती है वो है हमारी आर्टिकल 360, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, और इसे तब लागू किया जाता है जब हमारे देश में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना रहे। 2 महीने के लिए यहाँ पे भी टाइम मिलता है इसके अप्रूवल के लिए फ्रॉम हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और इसे भी जब चाहे यहाँ पे रिवोक किया जा सकता है। कोई भी इसके लिए टाइम नहीं फिक्स किया गया है कि कितने समय तक के लिए रहेगी।
आम बात है, इसे भी सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर क्या होता है, सैलरीज जो है आपकी कम की जा सकती है ऑफिशियल्स की। चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और जिसमें हमने पूरी तरीके की जितनी भी हमारी इमरजेंसी है इस एक सेशन में यहाँ पे समाप्त की है। तो अगर सेशन बढ़िया लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।